इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है, जहां पहले आरोपी ने एडवर्टाइजिंग कंपनी खोलकर उसमें लाखों रुपए लगाए, लेकिन जब उसका कोई फायदा नहीं मिला तो फरियादी ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोपी ने बेहद ही शातिर तरीके से पीड़ित को अपने ऑफिस बुलाया और खाने में नशीली दवा मिलाकर महिला कर्मचारी के साथ आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। इंदौर की कनाड़िया पुलिस को हर्षित गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने गजेंद्र सिंह नामक व्यक्ति को 9 लाख से अधिक की राशि एडवर्टाइजिंग में इन्वेस्ट करने के लिए दी थी, लेकिन जब कंपनी से कोई लाभ नहीं मिला तो हर्षित ने अपनी रकम वापस मांगने के लिए आरोपी गजेंद्र से कहा था। आरोपी ने अपने ऑफिस पर बुलाकर खाने में नशीली दवा मिलाकर उसे खिला दिया। जब फरियादी हर्षित बेहोश हुआ तो आरोपी ने अपने ऑफिस की महिला कर्मचारी के साथ उसके फोटो खींच लिए और फिर फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। कनाड़िया पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फरियादी हर्षित गुप्ता ने रिपोर्ट करी थी कि वो कहीं अपने एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस शुरू करा था, तो इसमें पैसे इनसे इन्वेस्ट कराए थे। बाद में कुछ चला नहीं उनका और इनने अपने पैसे की डिमांड करी तो सामने वाली पार्टी ने ये कहा कि हमने किसी जो कर्मचारी एक महिला थी इनके यहाँ उनके साथ में कुछ ऐसे फ़ोटो खींच लिए हैं जो दिखा के कि अगर आपने पैसे की मांग करी तो हम आपको वो कर देंगे, वायरल कर देंगे तुम्हारे फ़ोटो। इस पर मुकदमा कायम करा था। कितने लाख का? कुछ 9.5 लाख के आसपास गए। आरोपी कोई उसमें गजेंद्र सिंह ही है। महिला का तो उसमें फोटो का आया है, अभी देखते हैं विवेचना जैसा फिर होगा। महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं? नहीं, ये जो आपस में काम कर रहे थे लोग जी। मेन आरोपी कौन, कितने खिलाफ कायमी? अभी गजेंद्र सिंह के खिलाफ कायमी हुई है। जी हाँ, विवेचना जैसा फिर पाया जाएगा। कौन आरोपी गण से अभी बात नहीं हो पाई है। इनका एक ऑफिस हमारे यहाँ था जहाँ पे इनको ब्लैकमेल किया गया अपने वैभव नगर में, बाकी इनका ऑफिस था उधर सपना संगीता की साइड। फरियादी हर्षित पिता दिनेश गुप्ता है, ये है शिवधाम कॉलोनी लिम्बुदी के रहने वाले हैं। इनका शुरुआती धंधा था थैली बनाने वाला था, उसी में के संपर्क में आया था आरोपी। हाँ, उनका ये कहना था कि कुछ खाना खाया था उसमें वो बेहोश हो गया था, उसके बाद में कुछ ऐसे फोटो ले लिए उनने।